तो हेलो दोस्तों, हम लोग वैष्णो देवी टेम्पल जो है वो पहुंच चुके हैं और मंदिर के बाहर ही गाड़ी को अपनी पार्किंग में लगाकर और अब हम लोग जो है वो मंदिर के अंदर जाने वाले हैं। ये मंदिर का प्रवेश द्वार था और दोस्तों मंदिर में जो है वो बहुत ही अच्छी सुविधा है। यहाँ आपको लॉकर रूम भी मिल जाएगा और आप यहाँ पे शूज़ भी इजिली रख सकते हैं फुल सिक्योरिटी के साथ। आप यहाँ पे ये जो काउंटर देख रहे हैं यहाँ से आप टिकट कटाकर और जो लॉकर मिलेगा आप उसमें बैग रखकर और फिर मंदिर के अंदर घूमने जा सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये लॉकर रूम है और ये यहाँ पे सामने जो है ये शूज़ रखने के लिए है। और जब आप मंदिर के अंदर प्रवेश भी करते हैं तो आपकी यहाँ पर चेकिंग होगी और साफ़ सफाई का भी यहाँ पर विशेष ध्यान रखा जाता है। ओवरऑल ये मंदिर जो है वो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये मंदिर। तो दोस्तों आप इस मंदिर में जैसे ही एंट्री लेते हैं तो आपको कुछ सीढ़ी क्रॉस करके पहले ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद आप नीचे साइड आएंगे, फिर गुफा में एंट्री होगी और यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है। मतलब ओवरऑल ये मंदिर जो है वो बहुत ही प्यारा मंदिर आपको देखने मिलेगा। मतलब वृंदावन अगर आप घूमने आ रहे हैं तो यहाँ पर तो ज़रूर ही घूमने आएँ। तो दोस्तों ये जो मंदिर आप देख रहे हैं वैष्णो जी का, ये मंदिर जो है वो बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ मंदिर है और अभी भी काफ़ी एरिया में इसमें काम लगा हुआ है। मतलब ये मंदिर अभी और बढ़ता ही जा रहा है, मतलब काफ़ी एरिया में और भी कुछ बनाए जा रहे हैं मंदिर। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप यहाँ आएंगे तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ आपको गुफा भी देखने मिलेगी और ये जो वैष्णो माता की बहुत ही ऊंची प्रतिमा है वो भी आपको देखने मिलेगी। उनके बाजू में हनुमान जी भी विराजमान है, मतलब काफी ओवरऑल अच्छा ही मंदिर है। तो दोस्तों वैष्णो माता जी की जो मूर्ति है उसके नीचे भी मंदिर बनाया गया है और बेहद सुंदर मंदिर है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है और आजू बाजू जो मूर्तियां बनाई गई हैं छोटी छोटी वो भी दिखने में बेहद सुंदर है। और यहाँ पर भी एक वैष्णो माता की ही मूर्ति विराजमान है बीच मंदिर के, ये आप देख सकते हैं, ये वैष्णो माता की ही मूर्ति है जो कि दिखने में बेहद अच्छी लगेगी। तो चलिए दोस्तों वैष्णो माता का मंदिर घूमने के बाद यहाँ पर आर्ट गैलरी भी बना हुआ है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जस्ट इसके बाजू में ही बना हुआ है, ये मंदिर कैसे बना, किस समय क्या हुआ, पूरा ईयर कितना टाइम लगा, ये सारा इस आर्ट गैलरी में बना हुआ है। तो आप यहाँ पर आते हैं तो इस मंदिर में जो भी काम हुए हैं आप उसके बारे में यहाँ पर आकर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोगों ने आर्ट गैलरी को वैष्णो माता मंदिर में घूम लिया है, अब अपन इसी मंदिर में गुफा जो बनी है अब अपन उस गुफा में प्रवेश करेंगे। उस गुफा में दोस्तों माता रानी के जो 9 रूप हैं हमको वो दिखाए गए हैं, एक एक करके यानी मूर्तियां रखी हुई हैं वहाँ पर, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ।
ये जो लिखा है ना ये यहाँ लिखा होना चाहिए। तो दोस्तों ये जो वैष्णो माता मंदिर में गुफा है ये दो भागों में डिवाइड है। एक गुफा में कुछ मूर्तियां देखने मिलती हैं और आप उसके बाद इस मंदिर के जो मुख्य भाग में ऊपर वाले बाट में वहां पर आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप इसी मंदिर के थ्रू आप सेकेंड पार्ट में जो गुफा है उसमें जाते हैं। ये आप देख सकते हैं वैष्णो माता जी के पीछे वाले मंदिर का पार्ट है। और अब जो अपन जाएंगे वो गुफा के सेकेंड पार्ट में जाएंगे जहाँ पर बाकी की मूर्तियाँ विराजमान हैं और इसी गुफा के थ्रू आप जो है इस मंदिर से बाहर निकल जाएंगे। वही मेरे को लगा था कि अभी पूरी मूर्तियां कहाँ हुई हैं। भाई इसके नीचे कितना स्पेस है, मतलब मूर्ति के नीचे गुफा भी बनी है, वो इतना बड़ा मंदिर भी बना है, ये भी बना है। तो दोस्तों अब जो है अपन मंदिर के बाहर वाले पार्ट में आ चुके हैं और अब यहाँ से जो है वो मंदिर मतलब ख़त्म होता है। इसके बाद आप जैसे ही जाएंगे बाहर की तरफ और ये जो आपको गेट बना हुआ दिख रहा है यहाँ पर आपको प्रसाद भी मिलेगा पैकेट में, और एक पैकेट में वैष्णो माता की मूर्ति होगी और दूसरे में प्रसाद होगा, तो आप उस प्रसाद को ले जाना ना भूलें। तो दोस्तों वृंदावन को घूमने के बाद अब हम लोग निकलने वाले हैं मथुरा के लिए।